तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फेकिया। तो स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब फॉल्स। और फेकिया का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। वो कौन सा? नेचुरल प्रेजेंस ऑफ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस को ही फेकिया कहते हैं। तो ये फेकिया में क्या था? एब्सेंस था नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस। इसको झूठा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फेकिया जब होता है क्रिस्टलाइन लेंस ही एब्सेंट रहता है, तो जो रे ऑफ लाइट आती रेटिना फोकस नहीं कर पाती, तो पर्सन को दिखाई नहीं देता। तो उसको करेक्ट करने के लिए बाहर से हम इंट्राकुलर लेंस डालते हैं पेशेंट के आँखों में, क्योंकि वो बाहर से डाला जा रहा है, तो मतलब नेचुरल नहीं है। मतलब नेचुरल जो होता है बचपन से ही, मतलब पैदा होने के बाद से ही जो फीटल डेवलपमेंट बनता है वही नेचुरल लेंस होता है, लेकिन इसको अलग से डाला जा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर का है, इसलिए इसको फाल्स कहा गया। मतलब लेंस प्रेजेंट रहेगा लेकिन खुद का नहीं रहेगा, इसलिए इसीलिए इसको स्यूडो फेकिया कहा जाता है। क्योंकि लेंस इस कह सकते हैं, ये फेकिया को करेक्ट करने के लिए जो लेंस डालते हैं उसी प्रोसीजर को कह सकते हैं स्यूडो फेकिया कहते हैं। तो अगर आपने ये फेकिया का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि जब डीजी नहीं जानेंगे तो ट्रीटमेंट जानने का कोई मतलब नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक उसका डाल दूंगा। ये फेकिया हम क्या कहते हैं? करेक्ट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं किसको? इंट्राकुलर लेंस को। इसको देखो स्यूडो फेकिया या फिर आर्टिफेकिया भी इसको कहा जाता है। बाकी अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडो फेकिक आई, क्योंकि देखो जब लेंस एब्सेंट है, लेंस का काम क्या था? एकोमोडेशन करना था। एकोमोडेशन क्या होता है? लेंस अपने साइज़ को मतलब एडजस्ट करता है दूर या नज़दीक की चीज़ देखने के लिए, क्योंकि लेंस ही एब्सेंट था, तो इसमें लॉस अब टोटल लॉस हो जाता है एकोमोडेशन का। लेकिन अब फिर देखो इंट्राकुलर लेंस डाला जा रहा है तो एकोमोडेशन वापस आ जाएगा ना, जिसकी वजह से, क्योंकि कॉर्निया के पास देखो एकोमोडेटिव पावर नहीं होती। कॉर्निया जो है ऑप्टिक्स में इन्वॉल्व तो होता है, मतलब लाइट को बेंड तो करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसमें जो है इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने साइज़ को चेंज करके लाइट को ऐसा एडजस्ट कर पाए कि वो रेटिना पे फोकस करे। क्योंकि इसलिए देखो लेंस अगर एब्सेंट है तो पूरा जो है एकोमोडेटिव पावर ही एब्सेंट रहेगा। तो देखो ये किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव स्टेटस डिपेंड करेगा, जो इंट्रा ऑकुलर लेंस डाला गया उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? ईमेट्रोपिया। अब ईमेट्रोपिया क्या है? ईमेट्रोपिया देखो एक आइडियल कंडीशन है, जब जो है कहते हैं कि दो रे ऑफ लाइट जब इनफाइनाइट से आती हैं, लेंस जो है एकोमोडेशन किसका कहाँ है? एकोमोडेशन एट रेस्ट पे है, एकोमोडेशन एट रेस्ट पे है, और वो फोकस करती है कहाँ पे? रेटिना पे फोकस करती है, इमेज दिखाई देता है। मतलब लेंस जो है स्ट्रेस कंडीशन में नहीं है, ना ज़्यादा खींचा हुआ है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इसी आइडियल कंडीशन को ईमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें इसका मतलब ईमेट्रोपिया, जिसको ईमेट्रोपिया का मतलब ये है कि पर्सन को नॉर्मली दिखाई दे रहा है, उसे किसी बाहरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए। और एक होता है क्या? ईमेट्रोपिया भी एक होता है। ईमेट्रोपिया में क्या आता है? अगर तो रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही हैं और लेंस का एकोमोडेशन रेस्ट पे है, लेकिन वो रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में फोकस करती हैं, तो पर्सन को दिखाई नहीं देता। तो वही तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में होता है, एस्टिगमेटिज्म में। तो यही देखो डिजीज कंडीशन है। बाकी ईमेट्रोपिया जो है हेल्दी कंडीशन है। ये क्या है? हेल्दी कंडीशन। ईमेट्रोपिया हो रहा है इसका मतलब पर्सन जैसा पहले था, मतलब जब जैसे किसी पर्सन की आँखें ख़राब नहीं होती उसको कहते हैं हाँ ईमेट्रोपिक कंडीशन है। तो मतलब IOL जो इम्प्लांट किया गया है वो आइडियल, मतलब बिल्कुल आइडियल है। जितनी पावर की उसकी रोशनी लॉस थी, जितने डायप्टर की, उतने डायप्टर का ही IOL डाला गया है। इसीलिए जो है ऐसे पेशेंट को जो है एग्जैक्ट एग्जैक्ट दिखता है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसीलिए आइडियल सिचुएशन कहा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लस ग्लासेस की ज़रूरत पड़ जाती है नियर विजन के लिए। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कॉन्सिक्यूटिव मायोपिया की। तो कॉन्सिक्यूटिव मायोपिया में क्या होता है? जो इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांट किया गया है वो ओवर करेक्ट कर देता है, मतलब जितनी पावर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पावर अगर डाल देंगे तो ओवर करेक्ट कर देंगे, तब भी पर्सन को धुंधला ही तो दिखाई देगा, तो रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको फिर से करेक्ट करने के लिए जो है क्या करेंगे? ग्लासेस का सहारा लेंगे। तो ग्लासेस
की सहारा लेने की ज़रूरत है या नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ मायोपिया पर डिपेंड करता है, मतलब उसको जो दूर की चीज़ कितनी मतलब धुंधली दिखाई दे रही है उस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद तीसरा बात करेंगे कॉन्सिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया की। कॉन्सिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया में अब क्या होगा, इसमें क्या था, कॉन्सिक्यूटिव मायोपिया में क्या था, जो मतलब ज़्यादा पावर का डाले होंगे तो इसलिए ओवर करेक्ट कर दिया। अब कॉन्सिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ, अंडर पावर का डाल दिए, ठीक, अंडर पावर का डाल दिए। तो मतलब एफेकिया क्या है, एफेकिया जो है एक हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन ही तो है, सीवियर हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन है, तो इसी को ट्रीट करने के लिए तो लेंस डाला जा रहा है। अगर अंडर पावर ही डाल दिया तो हाइपर मेट्रोपिया ट्रीट नहीं है, मतलब एफेकिया से ट्रीट नहीं हुआ, तो पर्सन को क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्लस ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी दूर के विजन के लिए, और जो है नियर का विजन भी उसका अफेक्ट रहेगा, इसलिए +2 to +3 डायप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल नियर विजन के लिए। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, साइन ऑफ स्यूडोफेकिया की। तो स्यूडोफेकिया की देखो बहुत सारे साइन जो एफेकिया के सिमिलर होते हैं। साइन क्या है, जो डॉक्टर देता बताता है, और सिम्टम क्या है, जो पेशेंट बताता है। तो देखो तुम सर्जिकल स्कार दिखाई देगा लिम्बस के पास, लिम्बस अगर आप फिर से भूल गए तो मैं बता देता हूँ, जो कॉर्निया, ये कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है वही, उसी को लिम्बस कहते हैं। तो वहाँ पर सर्जिकल स्कार दिखाई देगा, और जो एंटीरियर चैम्बर होगा वो डीपर होगा नॉर्मल से। देखो यहाँ पे क्या था, लेंस था, ठीक, तो लेंस ही एबसेंट है, तो देखो लेंस एबसेंट रहेगा तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा ना, इसलिए एंटीरियर चैम्बर डीपर हो जाता है। और देखो माइल्ड इरिडोनेसिस देखने को मिलेगा, मतलब जब लाइट पड़ती है आँखों में तो जो आयरिस है, जो आयरिस कलर पार्ट है, ये जो है वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हल्का हल्का, इसीलिए माइल्ड इरिडोनेसिस। बाकी अगर पुरकिंजे टेस्ट की बात करें, पुरकिंजे इमेज टेस्ट की, तो यहाँ पे 4 इमेज दिखाई देगी, और नॉर्म 4 इमेज दिखाई दे रही, इसका मतलब जो है पर्सन जो हाँ ट्रीट हो चुका है। लेकिन देखो एफेकिया में क्या था, एफेकिया में देखो 2 ही इमेज दिखाई दे रहा था, ठीक, 4 इमेज देखो कहाँ होता, P1, P2, P3, P4 होता है, तो P1 और P2 तो मिलकर एक बना देते हैं, ठीक, क्योंकि P1 कहाँ, जैसे कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस से P1 बनता है रिफ्लेक्ट होके, P2 कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बनता है, P3 लेंस के एंटीरियर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बनता था, और P4 जो है लेंस के पोस्टीरियर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बनता था, ठीक। तो देखो इसमें एफेकियम क्या होता था, एफेकियम देखो P1 और P2 तो देखो दिखाई देता था ना, और देखो P3 भी दिखाई देता, लेकिन P4 जो एबसेंट रहता था। तो फुरकिंजी मिस्टर देखो मैंने डिटेल में एफेकिया बताया, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप एफेकिया पहले देखें उसके बाद ही स्यूडोफेकिया देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इमेज बन जाता है। बाकी पीपल कैसा रहेगा, ब्लैकिश रहेगा कलर का, लाइट डालने में देखो साइन ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ IUL, IUL डाला गया, इसको कैसे कन्फर्म किया जाए, इसको कन्फर्म करते हैं स्लिट लैम्प एक्सपेरिमेंट की, स्लिट लैम्प एक्सपेरिमेंट, और उसमें क्या करते हैं, डायलेट करते हैं प्यूबिल की। स्लिट लैम्प एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट होता है, पुराने समय यूज करते थे, अब तो मतलब बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिसके द्वारा हम पता करते थे कि पर्सन के अंदर IUL प्रेजेंट है या नहीं। और देखो विजुअल स्टेटस और रिफ्रैक्शन वेरी करेगा, क्योंकि डिपेंड कर देगा रहेगा मतलब पर्सन को जो इंट्राकुलर लेंस लगाया गया है उसकी पावर क्या है। अगर देखो ज़्यादा पावर का लगा दिया, ओवर करेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव मायोपिया हो जाएगा। अंडर पावर का लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक। और एक ईमेट्रोपिया तो था ये, मतलब आइडिया लगा दिए, तो 3 ही कंडीशन में ही होता है ईमेट्रोपिया। और देखो इसके बाद हम बात करें किसकी, मैनेजमेंट ऑफ स्यूडोफेकिया की, मतलब इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जिस पर्सन को फेकिया है। देखो स्पेक्टेकल सबसे पहले देंगे, मतलब चश्मा, या कहें कि स्पेक्टेकल्स को ही क्या कहते हैं, आई ग्लासेस भी कहते हैं ना, इसी को आई ग्लासेस कहते हैं। तो देखो अगर किसी पर्सन को रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब दूर या नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, तो उसमें चश्मा देते हैं, या फिर एक और चीज़ होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज और जो है स्पेक्टेकल्स में कौन अच्छा होता है,
क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। देखो स्केप्टिकल्स के द्वारा देखो नियर विजन में अकेले यूज करेंगे अगर उस पर्सन को जो ईमेट्रोपिया है, मतलब जो लेंस स्यूडोफोविया है विथ ईमेट्रोपिया, मतलब जो उसको डाला गया है इंट्राओकुलर लेंस वो एग्जैक्ट है, मतलब जितने जितना उसको पावर की कमी थी आँखों में उतना ही, तो उसको बस नियर विजन के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी देखो अगर स्यूडोफोविया है किसके साथ, कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर के साथ, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मायोपिया या कॉन्जिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया के साथ है, तब उस पर्सन को देखो प्रोग्रेसिव ग्लासेस या बाईफोकल ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ऐसा आपने बूढ़े लोगों में देखा होगा, एक होता है पास के दिखने के लिए और एक दूर के देखने के लिए होता है, तो ये प्रोग्रेसिव या बाईफोकल ग्लासेस है। और देखो अब दूसरा क्या है, लेज़र असिस्टेड, ये क्या होता है, लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोलिसिस, तो लेज़र टेक्नोलॉजी से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो है एडवांस सरफेस एब्लेजन, जो कि आज के समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाती है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव तो है लेकिन इसके बाद जो है चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पर्सन के पास अगर बजट है तो करा सकता है सब ट्रीटमेंट। देखो ये क्या करता है, मॉडरेट कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर के लिए ये होता है, ठीक। अगर हम बात करें थर्ड, तीसरा मेथड क्या है मैनेज करने का, तो IOL एक्सचेंज या फिर पीकी बैक IOL, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब रिफ्रैक्टिव एरर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। IOL एक्सचेंज क्या है, इसमें क्या करते हैं इंट्राओकुलर लेंस को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब जो डाला गया था वो अंडर पावर है या फिर ज़्यादा पावर का है, तो उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और पीगी बैक IOL क्या होता है, देखो पीगी बैक IOL का मतलब है, देखो एक होता है कैप्सुलर बैग और एक होता है सीलियरी मसल। अगर यहाँ पे इंट्राकुलर लेंस को डाला जा रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी, और इसको अगर यहाँ पे सीलियरी मसल डाला जाए इसको कहेंगे सेकेंडरी, ठीक। अब इसको प्राइमरी IOL और इसको सेकेंडरी IOL क्यों कहते हैं, देखो प्राइमरी IOL जो है कैटरेक्ट में करते हैं, कैटरेक्ट में प्राइमरी IOL करते हैं और सेकेंडरी IOL किस में करते हैं, ए फेकिया में, इसको जो है पिगी आई इसी को पिगी बैक IOL भी कहा गया है, क्योंकि कैटरेक्ट में क्या होता था, जो लेंस था उसमें जो डिपोजिशन उनको जो धुंधला हो जाता था तो उसको निकाल के दूसरा लेंस लगाते थे, तो कैप्सुलर बैग में करते थे। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिलेरी मसल में किया जाता है, क्योंकि लेंस जो है नेचुरली कहाँ किससे अटैच होता है, सिलेरी मसल से अटैच होता है, किसके द्वारा, जोनल फाइबर के द्वारा। अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़ें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यही था मैनेजमेंट में। बाकी देखो ये लेंस, यही देखो IOL दिखाया गया है, IOL बहुत सारे टाइप का होता है, शेप डिपेंड करता है, ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक। तो आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।